वन जय संतोषी माता। गाइस हम आपको चटपटी आलू की चाट बनाना सिखाएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस चटपटी चाट में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स पड़ने वाले हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम उन इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं और उन सारे इंग्रेडिएंट्स को जो भी चीज़ हमें यूज़फुल होगी इस चाट बनाने के लिए, उन सब चीज़ों को हम पहले ही से कलेक्ट करके रख लेंगे ताकि हमको बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले हम उन इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, सबसे पहले हमको लेना है आलू, उबले हुए आलू। हमने आलू को ले लिया है, सबसे पहले हमने आलू को उबाल कर रख लिया है। अब इसके बाद हमने इसको कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करने के बाद हमने इसमें आरा रोट मिलाया है, 2 मुट्ठी आरा रोट मिलाया है हमने इस आलू में। अब हमने इसकी टिकिया बना के रख ली है, आलू की टिकिया। फिर हमने कच्चे आलू लिए हैं। अब हमने कच्चे आलू को क्या करेंगे, हम कद्दूकस से घिस लेंगे। हमने कच्चे आलू को कद्दूकस करके इन्हें अच्छे से घिस लिया है, घिसने के बाद धो लिया। अब हमने गरम भुना हुआ जीरा लिया है। हमने अब नमक लिया है, हम नमक हमने कटोरी में रखा हुआ है, सफ़ेद नमक लिया है। अब हमने काला नमक लिया है, इस काले नमक को भी हमने रख लिया। अब हमने मिर्ची पाउडर लिया हुआ, ये रेड मिर्ची पाउडर है तो हमने इसे पीस कर पहले ही से रखा हुआ था। अब हमने इन सारे मसालों को मिक्स कर दिया है इस कटोरी में। फिर हमने इमली ली हुई है, अब हम इस इमली की चटनी बनाएंगे। हमने इमली की चटनी बना ली और हमने इमली कैसे बनाई ये हम अपने दूसरी वीडियो में हमने आपको बताएंगे हम आपको। फिर हमने धनिया ली, धनिया को हमने बारीक काट लिया। हमने ऑयल लिया हुआ है, फिर हमने जो ऑयल को एक कटोरी में करके रख लिया। अब हम गैस पे हमने ऑयल को चढ़ा दिया है पहले ही से ही। अब हम इसमें वो सारे आलू डालेंगे जो हमने घिस के रखा है, हमने वो आलू डालू मतलब जो लच्छे हैं वो उसमें डाल दिए हैं। तो इन लच्छों को हमने इसमें डाल दिया है, अब इसे हम डीप फ्राई कर लेंगे बहुत अच्छे से। हमारे जो लच्छे हैं वो अच्छे से तल चुके हैं, अब इनको हम किसी भी अच्छे से न्यूज़पेपर के ऊपर या टिश्यू पेपर के ऊपर निकाल लेंगे ताकि जो हमारा पानी है जो तेल है उसे बहुत अच्छे से सोख ले। तो हम अपने सारे जितने लच्छे हमने बनाए हैं इसको हम अच्छे से निकाल लेते हैं ताकि ये सारे हमारे जो लच्छे हैं देखिए बिखरा हुआ सब निकल जाए। तो हम क्या करते हैं, अब हम आलू की टिकिया जो हमने बना के रखी हैं गोल गोल, आलू की पहले से जो बना रखी है, अब उसको हम तवे पे भुनेंगे। तो हमने आलू की टिक्किया को ले लिया है, अब हम तेल भी ले लेते हैं कटोरी में क्योंकि उसमें डाल डाल के हमको उसको सेकना होगा। तो हमने तवा चढ़ा लिया और टिक्किया उस पर रख ली है। अब इसको हम तेल डाल डाल के अच्छे से सेक रहे हैं। तो हमने टिक्किया रखी हुई है, अब इसको मैं अच्छे से सेकना ताकि हमारी जो टिक्किया है वो अलग पलट करके दोनों तरफ से बहुत अच्छे से सेक जाए। तो देखिए हमारी जो टिक्किया है वो काफ़ी अच्छे से सेक चुकी है है। अब उसे हम किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। तो पहले मैंने एक करके अच्छे से एक प्लेट में निकाल लेते हैं इसको। देखो हमारी जो टिकिया है बहुत ही अच्छी एकदम क्रंची सीख चुकी है ये। तो अब हम इसे सारी एक एक करके निकाल लेंगे क्योंकि फिर हम इसको अच्छे से प्लेट में डाल के हम आपको बताएंगे कि उसे आपको कैसे डेकोरेट करना है, कैसे सर्व करना है। तो अब हम इन सारी टिक्किया को एक एक करके हमने निकाल लिया है ये देखिए। अब हम इसे प्लेट में सबसे पहले आपको बताते हैं कैसे सर्व करना है आपको। पहले इसमें आपको चटनी डालनी है, फिर उसके बाद हम इसमें दही डालेंगे। हम दही लेते पहले हम दोनों में टिकिया में अपनी चटनी डाल देते हैं इमली की। अब हम इसमें दही डालते हैं, इसको हमें अच्छे से इसमें दोनों में दही डाल देनी है। तो हम दही डालेंगे, फिर इसमें हमने जो भुना हुआ जीरा रखा है जीरा पाउडर वो हम डाल देंगे। हम दही भी एक कटोरी में रख लेंगे। मैं आगे आपको दही का जो कटोरा है उसको खींचना, मैं उसकी फ़ोटो भूल गई हूँ, मैं आपको बता नहीं पाई तो इसलिए आपको वो भी डाला। फिर उसके बाद जो हमने वो मतलब तल के रखे थे जो आलू वो भी इसमें बोरा दिए हैं हमने। अब देखिए जो हमारी टिक्किया है वो कितनी अच्छी लग रही है, इतनी शोवर लग रही, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रही है। तो आप इसमें मिर्चा इसमें बाद में बढ़ा भी सकते हैं अपने हिसाब से आपको जैसा अच्छा लगे। तो देखिए हमारी जो टिक्किया कितनी अच्छी लग रही है। अब हमने इसे अनार से सजाया है, धनिया डाली है इसके ऊपर, धनिया पत्ती डाली है। तो अगर आपको भी पसंद है तो आप भी ऐसे डाल सकते हो इसको, आप डेकोरेट कर सकते हो। आप इसके ऊपर काजू रख सकते हो और यह है मूली घिस के आप डाल सकते हो इसमें, आप प्याज घिस के डाल सकते हो, बहुत सी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हो। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो और हमें सपोर्ट करें ताकि ऐसी बहुत सी वीडियोज़ हम आपसे शेयर करें। आप अपनी फैमिली के साथ इसे खाइए, आप खाइए, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो फ्रेंड्स आप हमारी वीडियो को सपोर्ट कीजिए, थैंक यू वेरी मच। आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि इमली की चटनी कैसे बनाई जाती है। तो अगर आपको इमली की चटनी को देखना है कैसे बनती है तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। अभी तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय संतोषी माँ।